दोस्तों, हर कोई YouTube पे चैनल बनाने के बाद ये चाहता है कि मेरे चैनल पे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाए, ताकि मैं भी YouTube से कुछ अर्निंग कर सकूं। और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते हैं लोग, वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी में कुछ लोग गलत रास्तों पर चले जाते हैं, जिसके कारण उनका चैनल तो मोनेटाइज हो जाता है, फिर भी जो है वो YouTube से अर्निंग नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है नित्या और आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको A to Z सच्चाई बताने वाला हूँ। मैं पिछले 4-5 सालों से YouTube पे काम कर रहा हूँ और ये मेरा दूसरा चैनल है जिसपे मैं आपको YouTube से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक बताता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों के मेरे पास मेल आए जिन्होंने मुझसे बोला कि सर, एक कंपनी है जो मुझसे कह रही है कि 100 रुपये दे दो, मैं आपका चैनल का 1000 सब्सक्राइबर और वॉच टाइम 4000 पूरा कर देता हूँ। फिर एक मेल आया था कुछ दिन पहले, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बोला था, उसमें पैसे ज़्यादा मांगे गए थे। ऐसे ऐसे मेल मेरे पास काफ़ी सारे हैं, तो मैंने इस चीज़ पे रिसर्च किया, मैंने इस चीज़ को अच्छे तरीके से देखा, इसकी जांच की, मैंने भी उन कंपनियों वाले से बात की और मैंने एक चैनल भी मोनेटाइज करा लिया। और दोस्तों, मैंने जब पैसे दे के उस चैनल को मोनेटाइज करा लिया, तो वो चैनल मोनेटाइज तो हो गया, उस पर 1000 सब्सक्राइबर हो गया, 4000 घंटे का वॉच टाइम हो गया। लेकिन दोस्तों, जब मैं उस पर वीडियोज़ अपलोड कर रहा था तो व्यूज़ उस पर 4-5-6 व्यूज़ आ रहे थे। तो मैंने सोचा यार, चैनल तो मोनेटाइज हो गया, लेकिन चैनल मोनेटाइज होने से फ़ायदा क्या, जब वीडियोस चल ही नहीं रहे हैं, व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, तो इससे तो मैं पैसे कमा ही नहीं पाऊंगा। तो इस तरीके से तो जो मैंने पैसे दिए चैनल मोनेटाइज करने के लिए, जो मैंने पैसे दिए अपना सब्सक्राइबर और वॉच टाइम पूरा करने के लिए, वो पैसे मेरे बेकार हो गए। अब दोस्तों, ऐसे में होता क्या है कि काफ़ी लोग जब यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो अपलोड करते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं, फिर भी उनके वीडियोज़ पर जब व्यूज़ नहीं जाता तो वो फ्रस्ट्रेट होकर ऐसी कंपनियों के चंगुल में फंस जाते हैं। और जब इन कंपनियों के चंगुल में वो फंसते हैं, तो वो इनसे पैसे ऐंठ के और रोबोट या किसी और तरीके से उनके चैनल पे किसी किसी ग्रुप से या अलग अलग नेटवर्किंग का इस्तेमाल करके वो जो है चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करा देते हैं। और ये एक तरीके की इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी भी है, इससे आपका चैनल बंद भी हो सकता है। अगर वो आप खुद सोचो कि जब आपका चैनल नॉर्मल चल रहा है, आपका चैनल नया है, और कोई अचानक से अगर आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कराता है, वॉच टाइम कराता है, अलग अलग IP एड्रेसेस से वीडियोज़ देख के आपके चैनल को आगे बढ़वाता है, तो वैसे में आपका चैनल बंद भी हो सकता है। यूट्यूब की नज़र में जब आएगा, यूट्यूब देखेगा कि इस पर अचानक से इतने सारे सब्सक्राइबर, इतने सारे वॉच टाइम कहाँ से आ गए, तो वो जब इस चीज़ को चेक करेगा तो उसमें आपका चैनल भी बंद हो सकता है। और कुछ लोगों के चैनल बंद भी हुए हैं ऐसा करने पे। और उसके बाद दोस्तों, अगर आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे भी हो जाते हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा भी हो जाता है, फिर भी दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों, एक कड़वा सच है, लेकिन आपको पसंद आएगा। अगर आप YouTube पे काम कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको कुछ यूनिक कंटेंट भी बनाने होंगे। अभी दोस्तों, मुझे पता है कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे से यूनिक कंटेंट बना रहे हैं, अच्छे से अपलोडिंग कर रहे हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, सब कुछ अच्छे तरीके से डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पेशेंस रखना होगा। क्योंकि दोस्तों, मैंने यहाँ तक देखा है कि 1 साल पहले के वीडियोज़ भी यूट्यूब पर वायरल होते हैं। मेरे खुद काफ़ी सारे वीडियोज़ वायरल हुए हैं पिछले चैनल पर। पहले मैं जब वीडियोस अपलोड करता था तो 1-1 साल पुराने वीडियोस मेरे वायरल होते थे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आज जो वीडियो आप बना रहे हैं वो आपके वीडियो कल नहीं चलेंगे, परसों नहीं चलेंगे, वो वीडियो आज नहीं तो कल आपके चलेंगे। YouTube पे ग्रो होने के लिए बस एक ही वीडियो काफ़ी होता है। ऐसे मैंने YouTube में क्या एक्सपीरियंस किया है कि जब रेगुलर वीडियो अपलोड किया जाता है, अच्छे अच्छे कंटेंट पे वीडियो डाले जाते हैं, तो एक ग्राफ बनता है आपके YouTube चैनल का, और वो ग्राफ जो है YouTube टीम द्वारा रिव्यू किया जाता है। अगर आपके चैनल का कंसिस्टेंसी ग्राफ सही रहता है, आप सही तरीके से YouTube पे रेगुलर बेस पे काम कर रहे हैं, तो YouTube क्या करता है कि आपके एक वीडियो को लोगों के इंप्रेशन में भेजता है, मतलब कि लोगों के होम पेज पे भेजता है। अब दोस्तों, वो डिपेंड करता है कि कितने लोग आपके वीडियो को पसंद करते हैं, कितने लोग आपके चैनल को पसंद करते हैं और कितने लोग नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक वीडियो अगर आपकी अच्छी होती है तो वो वायरल हो जाती है। अब कौन सी वीडियो आपकी वायरल होगी उसकी कोई गारंटी नहीं होती है यूट्यूब पे, लेकिन आपकी एक वीडियो जब वायरल होती है तो बाकी सारे वीडियो पे बूस्ट आना शुरू हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आपकी एक वीडियो को कोई देखता है तो आपकी दूसरी वीडियो खुद ही रिकमेंडेशन में जाती है। अब वो चाहे पुरानी वीडियो हो या नई वीडियो हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस तरीके से वीडियो पे भी हो जाते हैं। दोस्तों, आपने काफ़ी बार देखा होगा जब कोई नया चैनल ग्रो होता है तो उनके पुराने वीडियोस पे पहले व्यूज नहीं होते हैं, उनका कोई नया वीडियो चलता है जिससे कि उनका चैनल ग्रो होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि पुराने वीडियोस पे भी व्यूज आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि पुराने वीडियोस पे पहले 100-200 व्यूज रहते हैं, फिर हजारों में व्यूज आ जाते हैं, फिर 2000,
3000 व्यूअर आ जाते हैं। ये चीज मैंने किस में देखा था, जो आप फेमस यूट्यूबर हैं हमारे अमित बडाना भाई, उनका पहले जब चैनल चला था लगभग 2019 में या समथिंग 2018 में उनका चैनल चला था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैंने उनकी जैसे एक दो वीडियो देखी थी, तो मैंने उनकी पुरानी वीडियो देखी थी, उस पर काफ़ी कम व्यूज थे। फिर मैंने तुरंत ही जब उनका चैनल एकदम से बूस्ट होने लगा, तो मैंने देखा कि इनके पुराने कुछ दिन बाद मैंने उनके पुराने वीडियोस को चेक किए, तो पुराने वीडियोस पे भी अच्छे खासे व्यूज थे। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से काम करता है कि जब आपकी एक वीडियो वायरल होना शुरू होती है, तो आपके पुराने वीडियोज भी चलना शुरू हो जाते हैं। तो आपको हर वीडियो में बराबर मेहनत करना होगा, हर वीडियो को अच्छे तरीके से बनाना होगा, ताकि जब आपकी एक वीडियो कोई वायरल हो, तो साथ में और सारे वीडियोस भी चले। और दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी कोई भी कंपनी, ऐसे कोई भी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि दोस्तों अगर आप चैनल मोनेटाइज भी करा भी लेते हैं, तो क्या फायदा है? वो जिस ऑडियंस से आपका चैनल मोनेटाइज कराते हैं, वो जिस ऑडियंस को भेज के जिस तरीके से स्पैम करते हैं, जिस तरीके से धोखाधड़ी करके आपके चैनल को मोनेटाइज करा देते हैं, 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर देते हैं, वो जेन्युइन नहीं होता है, वो फेक तरीके से किया जाता है, जिससे कि आपके चैनल पे कोई फायदा नहीं होगा, आगे चल के आपका चैनल ग्रो भी नहीं होगा और बंद भी हो सकता है। तो ऐसे चक्करों में ना पड़े दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही यूट्यूब रिलेटेड टिप्स देखने के लिए। और दोस्तों, मैं आपको ऐसी ही जानकारी इस चैनल पर देता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।